मानव समाचार मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं अब्दुल रहमान। इन दिनों आगरा रोड की तामीर की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दौरान तामीर इस तरह की दिक्कत का सामना तो शहरीयान को बहरहाल करना ही पड़ेगा। इन दिक्कतों को फिलहाल खत्म तो नहीं किया जा सकता, मगर हिकमत अमली से कम जरूर किया जा सकता है। ताज़ा मुश्किलात ट्रैफिक जाम को लेकर है, क्योंकि आगरा रोड का एक हिस्सा ज़ेर तामीर है और दूसरा हिस्सा ही काबिल इस्तेमाल है। इसलिए इकलौती रोड होने की वजह से दोनों सिमत की गाड़ियों की आवाजाही की वजह से ट्रैफिक बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। घंटों लोग इस ट्रैफिक में फंसे रह रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल सुपरमार्केट के पास आ रही है, जहां मुशर्रत चौक की तरफ से आने वाली गाड़ियों का अजदहम जब आगरा रोड के बहते हुए गाड़ियों के ट्रैफिक में मिलता है या कोई ऑटो गलत तरीके से आकर घुस पड़ता है, तब कुछ देर के लिए ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है और देखते ही देखते सैकड़ों गाड़ियाँ कतार दर कतार खड़ी हो जाती हैं, जो ट्रैफिक जैम की सूरत इख्तियार कर लेती हैं। कई बार एम्बुलेंस को काफ़ी देर तक ट्रैफिक में फंसा देखा गया है। दरअसल इस इलाके के आसपास कई हॉस्पिटल्स हैं, जिन तक पहुंचने का वाहिद जरिया फिलहाल यही आगरा रोड है। ऐसे में इमरजेंसी मरीजों की जान के लिए भारी जोखिम है। इंतजामिया को चाहिए कि ट्रैफिक के सैलाब को सलीका मंदी से कंट्रोल किया जाए। जब तक सड़क की तामीर नहीं हो जाती, बड़ी गाड़ियों का दाखिला ममनू करार दिया जाए। सिर्फ सरकारी बसों को ही इस रास्ते से गुजरने दिया जाए। गोल्डन नगर या दिगर इलाके के लोगों को भी कोशिश ये करना चाहिए कि इस रास्ते की बजाय कोई दूसरा मुतबादिल रास्ता तलाश किया जाए, ताकि खुद भी हैरानी से बच सकें और दूसरों को भी परेशानी से बचाया जा सके।